नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हो, हमारा आज का जो पाठ है वो है इतिहास की पुस्तक का कक्षा 6 का 8 नंबर 4, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो आओ बच्चों, हम इस पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे आप देख सकते हो, इस पाठ के नाम में ही आपको किताबें और कब्रों के बारे में जानना है। तो जब बात किताबों की आती है तो हमारी नज़र में सबसे पहले क्या आता है बच्चों? किताबों से भरा बहुत बड़ा कमरा जिसे हम पुस्तकालय कहते हैं। तो आओ बच्चों, आज मैं आपको पुस्तकालय ले चलती हूँ अपने विद्यालय के। तो बच्चों, विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें हैं। कुछ धर्म की हैं, कुछ संस्कृति की हैं, कुछ साहित्य की हैं, कुछ कला की हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इन्हीं किताबों के बारे में। ये देखो बच्चों, पुस्तकालय आपकी कक्षा से काफ़ी बड़ा है और यहाँ किताबों से भरे कई रैक हैं। इस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है बच्चों कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेयजल बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकः संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से लगभग 200 साल पहले ही हुआ है। आओ बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं जो आपने अभी अभी पढ़ा है उससे संबंधित। तो बच्चों, पहला प्रश्न, सूक्त किसे कहा गया है? सही उत्तर है, ऋग्वेद में सम्मिलित प्रार्थनाएं सूक्त कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 2, कौन से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं? उत्तर, अग्नि, इंद्र व सोम। प्रश्न नंबर 3, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? उत्तर है, ऋषियों ने। प्रश्न नंबर 4, ऋग्वेद की भाषा क्या थी? उत्तर है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न, ऋग्वेद को छापने का काम कब शुरू हुआ था? सही उत्तर है, 200 साल पहले। आओ बच्चों, हम अपना अगला उपविषय शुरू करते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ये चित्र देखो बच्चों, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये पांडुलिपि बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी कश्मीर में पाई गई थी। इसका उपयोग लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को छापने के लिए किया गया था। इससे अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब बच्चों, हमारा अगला उपविषय है मवेशी, घोड़े और रथ। तो बच्चों, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी,
अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां से ये लोग अपने सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होता था। आओ बच्चों, कुछ प्रश्न पूछूं। पहला प्रश्न, पांडुलिपि किस वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी? उत्तर है बुर्ज। रिक्त स्थान भरो। पहला रिक्त स्थान, ऋग्वेद में रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। उत्तर है मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों। अगला रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान और कभी कभी रिक्त स्थान की भी आहुति दी जाती थी। सही उत्तर है घी, अनाज और जानवरों। अगला तीन, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग रिक्त स्थान रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा रिक्त स्थान को दिया जाता था। सही उत्तर है सरदार और दूसरे का पुरोहित। तो बच्चों, अब मैं बात करती हूँ आपके सामने लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों की। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे बच्चों। यहाँ पर हम सिर्फ इनके शब्दों को ही जानेंगे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वे सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों में अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। आओ बच्चों, मैं आपको खामोश प्रहरी कहानी महापषाणों की बातें बताती हूँ। ये शिलाखंड महापषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं, कुछ महापषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है कि जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। आप इस चित्र को देखो बच्चों, इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान सिस्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल यानी कि बड़ा सुराग है, जो शायद पत्थरों के बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये चित्र देखो बच्चों, महापषाण कब्र में मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ और नीचे एक कटार, ये सब इन महापषाण कब्रों में दफनाई गई थी। तो बच्चों, अगला उपविषय है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी,
कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजो आप। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों से लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टाने चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। आओ बच्चों, मैं अब आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। तो बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है, काम के आधार पर किए गए वर्गीकरण के 2 समूह कौन से थे? उत्तर है पुरोहित, दूसरा है राजा। अगला प्रश्न, क्या राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था? हाँ या ना में उत्तर दें। उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न, जनता के लिए इस्तेमाल किए गए 2 शब्द बताएं। उत्तर है जन, दूसरा विष। अगला प्रश्न, खुद को आर्य कौन कहते थे? उत्तर है जिन लोगों ने ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अगला प्रश्न, दस्यु कौन थे? उत्तर है वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे। आओ बच्चों, अब मैं आपको एक विशेष गांव की बात बताती हूँ और वहाँ पर मिली एक विशेष व्यक्ति की कब्र की बात बताती हूँ। मानचित्र 2 देखो फिर से बच्चों। इसमें आपको इनाम गांव खोजना है। आप सब खोजो इनाम गांव कहाँ है। ये रहा इनाम गांव। ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ व्यस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है बच्चों कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताएं। मुझे तो लगता है कि ये किसी सरदार का ही घर था। क्यों? क्योंकि घर बहुत बड़ा था, वहाँ पे अनाज के गोदाम भी थे और घर में बहुत सारे कमरे भी थे और घर बिल्कुल गांव के बीचों बीच था। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी सरदार का ही शव रहा होगा। आओ बच्चों, मैं आपको आगे बताती हूँ क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? बच्चों, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डिस्थियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। बच्चों, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डिस्थियां होती हैं। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डिस्थियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डिस्थियों के जोड़, कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई होगी। तो बच्चों, हम वापिस चलते हैं इनाम गांव के लोगों की तरफ। इनाम गांव के लोग के काम धंधे कि वो क्या व्यवसाय करते थे, क्या काम करते थे, उनकी जीविका क्या थी बच्चों? तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशानों से ये अंदाजा होता है कि
कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती थी। तो बच्चों, आपको इस पाठ से पता चला कि हमारे भारत की जो पुरानी पुस्तकें थी, जिन्हें हम वेद कहते हैं, वो चार प्रकार की थी। और उन पुस्तकों के बारे में हमें साथ में ये भी पता चला कि इन पुस्तकों में किन देवी देवताओं को समय पूजा जाता था। और साथ में हमें ये भी पता चला कि जो कब्रें मिली अलग अलग जगह पर, वो किसकी कब्रें थी, किस तरह की कब्रें थी। तो आज जो बच्चों आपको इस पाठ में समझ आया, मैं इसे कुछ प्रश्न उत्तर से पूछकर आपसे पूरा करती हूँ। तो आओ बच्चों, प्रश्नों के लिए तैयार हो आप सब। पहला प्रश्न, वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर है, लगभग 3500 साल पहले। अगला प्रश्न, महापाषाणों कब्रों के निर्माण की शुरुआत कब हुई? उत्तर है, लगभग 3000 साल पहले। अगला प्रश्न, इनाम गांव में कृषकों का निवास कब हुआ? उत्तर है, 3600 से 2700 साल पहले। अगला प्रश्न, चरक संहिता कितने वर्ष पहले लिखी गई? उत्तर है, लगभग 2000 साल पहले। आओ बच्चों, निम्नलिखित को सुमेल करें। एक तरफ है आपका सुक्त, रथ, यज्ञ, दास, महापाषाण। दूसरी तरफ है सजाए गए पत्थर, अनुष्ठान, अच्छी तरह से बोला गया, युद्ध में प्रयोग किया जाता था, गुलाम। अब इनको हम मिलान करें। तो बच्चों, सुक्त का मिलान हम किससे करेंगे? अच्छी तरह से बोला गया। अगला रथ का मिलान, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। अगला यज्ञ, अनुष्ठान। अगला दास, गुलाम। और अंतिम महापाषाण, सजाए गए पत्थर। अब कुछ रिक्त स्थानों से भी मैं आपकी ज्ञान का पता लगाती हूँ। पहला रिक्त स्थान के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। सही उत्तर है, मजदूरी। अगला प्रश्न, इनाम गांव में कौन कौन से फलों के साक्ष्य मिले हैं? सही उत्तर है, बेर, आंवला, जामुन, खजूर और रसभरियां। अगला प्रश्न, गाय, भैंस, बकरी वो किस लिए पालते होंगे? सही उत्तर है, दूध के लिए। तो बच्चों, आपको हमारा पाठ कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल रहेंगे।